अजाक्स संगठन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। संगठन पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के संबंध में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसके पहले संगठन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में रैली निकाली। सुरक्षा के तौर पर मुख्य गेट पर पुलिस बल मौजूद रहा। अजाक्स संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज अहिरवार ने बताया कि डेकलॉक के खाली 1,00,000 पदों को भरने, ठेका और आउटसोर्सिंग के पद भरने की प्रथा बंद करने, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने सहित 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। संगठन ने आज जिला प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री भारत सरकार के लिए कुछ ज्ञापन सौंपे। अलग अलग मुद्दे के 7 मुद्दों के ज्ञापन है। उचित माध्यम से संबोधित वहाँ भेजा जाएगा। प्रशासन के स्तर की जो कार्रवाई उचित कार्रवाई। आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष माननीय जी कंसोटिया के निर्देश अनुसार जिला अजाक्स टीकमगढ़ के द्वारा आरक्षण के संबंध में पदोन्नति के लेके बैकलॉग पदों की पूर्ति करने हेतु आउटगोइंग प्रथा बंद करने, छात्रों को छात्रवृत्ति समयावधि प्रदान करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 5 मांगें की गई हैं। 28/1 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में जो इश्यू डिसाइड किए गए हैं और उनके निर्णय दिया है, जिससे अजाक्स ने यथासमय आपको किनमय हेतु प्रस्तुत किए हैं, जिनका हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। मत प्रशासन सामान्य प्रशासन भोपाल द्वारा दिए गए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मनोज गोरकेल अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मध्य प्रदेश स्पेशल काउंसिल के नवीन पदोन्नति नियम ड्राफ्ट तैयार कर 2017 में जमा कराया गया था, उसके तत्काल लागू करने किया जाए एवं मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में आरक्षित संवर्ग के बैकलॉग पदों के लगभग 1,00,000 रिक्त पदों को भर्ती तत्काल की जाना सुनिश्चित की जाए। यह कि ठेका आउट सोर्सिंग के पद भरने की प्रथा तत्काल बंद की जाए। यह आरक्षित संवर्ग के छात्र छात्राओं को प्रत्येक स्तर की छात्रवृत्ति समय अवधि में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। यही हमारी शासन से मांग है। इसलिए हम उन कलेक्टर महोदय को, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव वगैरह, सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, सभी जगह हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। इसलिए हम उनकी मांग है, ये नहीं होंगी तो 20 तारीख को फिर जन आंदोलन होगा। पुलिस विभाग को लेकर आपको कोई ठीक है होगी? पुलिस विभाग को लेकर, पुलिस विभाग में जो रात्रि 10 बजे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।